मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर के अयोध्या बस्ती स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों की स्थिति विगत दिनों हुई बारिश के बाद जर्जर हो गई है। कई मकानों में दरारें पड़ गई है और घर के अंदर बनी दीवारों ने संपर्क तोड़ दिया है। दो मकानों की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी उधराशी हो सकते हैं। मकानों अपना जीवन व्यापन करने वाले परिवारों में भय का माहौल बना हुआ है। ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नगरपालिका परिषद के सीएमओ ने जर्जर मकानों के निरीक्षण किया और मामला संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा कर निराकरण का आश्वासन भी दिया है। ये ऐतिहासिक कॉलोनी जो हमने मकान मिला नहीं, 3 साल हो गया मैं हमको, तो ये अब के बारिश में आने के बाद में दीवाला ना मतलब जगह छोड़ दी, जो अपना दर्जा हो गया सब, दो मतलब तड़क चलने लगी और ऐसी स्थिति, दो मकान तो ऐसा हो गया कि वो कभी गिर सकते। और पहले भी बारिश में एक बाढ़ की यहाँ जो बच्ची सो रही थी और वो लेवड़ा पड़ गया था, मतलब सभी मकान के ऐसा मकान है, सबके छता गिर रही, मतलब कोई भी देखने कोई भी नहीं आ सकते। से 2-2.5 साल पहले नगर पालिका द्वारा हमारे को ये 88 क्वार्टर में मकान आवंटन हुए थे, तब हम आए थे, तब भी ये की ये स्थिति थी और आज तो और भयंकर स्थिति है कि 72 और 71 मकान तो बिल्कुल ढहने जैसे हो गए हैं और इनमें दरारें पड़ गई और नीचे बैठ गए पीछे से। कितनी बार हमारे मकानों के देखने आते हैं, सर्वे करने आते हैं, जब भी आते तब कहते हम इनकी मरम्मत करवाएंगे, फिर अभी गए, अभी 8-10 दिन से इतनी बारिश आई तो ये घर की बिल्कुल दीवार, ये देख लो सर आप, हम लोग कितनी बार जा के आ गए नगर पंचायत में, सब लोगों से बोला पार्षद वगैरह से, तो भी जब भी बोलते तब बोलते हाँ हम आएंगे मरम्मत करेंगे सब करेंगे, उसके बाद आके ने मुंह भी नहीं बता देने, कल से कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम काम धंधे करने जाते हैं, रात भरत आते हैं, कभी मान लो भाई साथ हमारे साथ ये दुर्घटना हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले। अभी तो कंडीशन ये है कि चारों तरफ से दीवार ऐसी फट रही है कि कभी भी गिर सकता है और पीछे खाई इतनी उंडी है तो ताकि कुछ कह नहीं सकते उसका। ये 2-3 मकान ऐसे दिखे हैं जिनमें क्रैक आ रहे हैं, तो यूपीएमसी बुला करके इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि कैसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा क्षतिग्रस्त होंगे तो उन लोगों की व्यवस्था करेंगे कैसे करते हैं। आपको यही क्या, यहाँ अलाटमेंट ही होना चाहिए, जब तक निर्माण पूरा नहीं होता तब तक किसी को अलाटमेंट देना नहीं चाहिए, अलाटमेंट कैसे हो पहले तो ये देखना चाहिए। पिपलिया मंडी से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।